उत्तरकाशी के चैनल हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सिल्किया चैनल में रुका है रेस्क्यू ऑपरेशन। ऑगर मशीन में तकनीकी खराबी के चलते ये ऑपरेशन रोक दिया गया है। पत्थर आने से मशीन का बेयरिंग खराब हो गया है। इंदौर से मंगाई गई तीसरी ड्रिल मशीन। तो देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और कल शाम से ही रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोशिश लगातार जारी है कि 40 जान जो अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। ऑगर मशीन में तकनीकी खराबी के चलते ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पत्थर आने से मशीन हुआ है खराब और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। इंदौर से ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई है। अभी कैंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है और देरी होगी, अब इसका मतलब लोगों को बाहर निकालने में? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो अभी की जो प्रक्रिया वहां पर चल रही है, उस प्रक्रिया में कह सकते हैं कि जो इंदौर से मशीन मंगाई गई है वो मशीन पहुंच तो चुकी है, लेकिन उसको अभी असेंबल करने में वहां पर समय लग रहा है। कितना समय और लगेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभी जो ड्रिल पाइप होने थे, जिन पाइपों को आगे भेजा जाना था, वो प्रक्रिया पुनः शुरू नहीं हो पाई है। कल ये कह सकते हैं कि दोपहर बाद मशीन में एक खराबी आई थी, जिसके चलते एक बैकअप के तौर पर इंदौर से एक और मशीन यहाँ पर मंगाने की मांग की गई थी, और एयरफोर्स के ये कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो यहाँ पर लाई गई है। सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से मशीन यहाँ पर पहुंची है, लेकिन अभी जो मजदूर जो टनल के भीतर फंसे उनको निकालने की प्रक्रिया पुनः शुरू नहीं हो पाई है। सिर्फ 22 मीटर पाइप ही ये कह सकते हैं कि जो अंदर भेजे जाने थे वो वहां अंदर भेजे गए। अभी भी ये कह सकते हैं कि लगभग 28 मीटर का फासला और वहां पर है, 28 से 35 का फासला और है जिसको अभी पार किया जाना बाकी है। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि जो तकनीकी जो विशेषज्ञ वहां पर हैं वो जो बता रहे हैं जो कल में भीतर जो स्टॉक है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद फिर बाइक आगे बढ़ा है। समझा जा सकता है कि गुजरता समय और यहाँ पे बढ़ाने वाला होता है, जो मजदूरों को निकालने में जो समय लगता था और बढ़ोतरी यहाँ पर। जी अभी तो अभी तक अगर मौजूदा कल 4 बजे तक की बात की जाए तो कितना काम पूरा हो गया था, 50% या 25%? पूरा हो पाया था, अभी भी एक आधे से ज्यादा का सफर वहां पर तय करना बाकी है, क्योंकि जो अंदर जो मलबा जो आया है, जो टनल में भूस्खलन के कारण जो मलबा आया, उसके भीतर कई ऐसे रॉक और बड़े स्ट्रॉन्ग रॉक वहां पर हैं जिनको काटने में बड़ी मुश्किल है वहां पर हो रही है। मशीन के जरिए उसको वहां पर काटना असंभव सा लग रहा था, और यही वजह रही कि कल जो मशीन वहां पर अगर मशीन से जो पाइप अंदर भेजे जाते ह्यूम पाइप उसको वहां पर रोक देना पड़ा था। मशीन में तकनीकी खराबियां वहां पर आ गई थी, क्योंकि जो रॉक अंदर फंसे थे वो किस मात्रा में अंदर फंसे हुए हैं, कितने स्ट्रॉन्ग है, तो उसको लेकर वहां पर काम करना बड़ा चैलेंजिंग वहां पर हो रहा था। और इसीलिए कह सकते हैं कि बैकअप के तौर पर इंदौर से एक और अगर मशीन यहां पर मंगाई गई है, ताकि तय समय पर उन कामों को पूरा किया जा सके और जो जिंदगी अंदर फंसी है उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि जो कल शाम तक की, आज दिन तक की जो खुशखबरी आने की उम्मीद थी, एक राहत भरी खबर आने की उम्मीद थी कि काम पूरा हो चुका है दिल वाला, तो उसमें अभी और समय वहां पर लगेगा। अब कितना समय और यहां पर लगेगा ये तो कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर सही समय पर ये मशीन जो बैकअप के तौर पर इंदौर से मशीन मंगाई गई है वो यहां पर तय समय पर काम शुरू कर पाते, तो शाम तक कुछ संभव तक कुछ राहत भरी खबरें आने की उम्मीद यहां पर जरूर कही जा सकती है। जी तो कब तक ये मशीन आ जाएगी, और दूसरी चीज की कार्य कब से एक बार फिर से स्टार्ट होगा? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इंदौर से जो मशीन है वो वहां से चल चुकी है, वायुसेना की तरफ से उस मशीन को विशेष विमान के माध्यम से यहां पर लाने का काम किया जा रहा है। जैसे ही यहां पर पहुंचे तो उसको असेंबल करने का काम शुरू होगा, तो ये उम्मीद कही जा सकती है कि आज दोपहर बाद एक बार फिर उस प्रक्रिया को यहां पर आगे बढ़ाने का काम यहां पर शुरू होगा। जो ड्रिल का जो काम था उस ड्रिल को करने का काम यहां पर किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि जो आसानी से उस पाइप जो पाइप है ह्यूम पाइप उनको अंदर भेजा जा सके। अगर कोई मजबूत चट्टान अंदर होती है मलबे के अंदर तो उसको काटने की प्रक्रिया पहले शुरू की जाएगी, ताकि उन पाइप्स को निर्वाध रूप से आगे बढ़ाया जा सके और जो टनल्स के भीतर जो मजदूर फंसे उन तक ये पाइप पहुंच सके और उनको वापस उन मजदूरों को सकुशल निकालने का काम जारी हो सके। लेकिन जो चिंता का विषय है इस पूरे घटनाक्रम में, अब जो चिंता का विषय है वो ये है कि जो मजदूर 40 अंदर फंसे हुए हैं उनमें कई मजदूरों के स्वास्थ्य में गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। जो उनसे बातचीत वहां पर हुई है उन बातचीत में साफ तौर पर मजदूरों ने अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है। कई ऐसे मजदूर हैं जो
ये कह सकते हैं कि अंदर इम्यूनिटी के कारण या फिर दूसरी जो अंदर की जो परेशानियां वहां पर है, जो परिस्थिति के चलते कई मजदूरों को नींद तक नहीं आ रही है। ऐसे में मजदूर आपस में ही एक दूसरे का हौसला अफजाई अंदर करते नजर आ रहे हैं ताकि इस चुनौती से लड़ा जा सके, इस चुनौती से पार पाया जा सके। लेकिन अभी भी ये कह सकता है कि जो उनको निकालने का जो रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी था उसमें फिलहाल कुछ और विलंब यहाँ पर होता नजर आ रहा है और अभी और समय लगना बाकी है। जी ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ।